वीडियो में हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग इस वीडियो में वृष्टि छाया प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं वृष्टि छाया प्रदेश हवाएं पर्वत के जिस ढाल से टकराती हैं उसे पवन सम्मुख ढाल कहते हैं हवाएं पर्वत के जिस ढाल के सहारे नीचे उतरती हैं उसे पवन विमुख ढाल कहते हैं समुद्र से आने वाली हवाएं अथवा मानसूनी हवाएं पर्वत के सामने वाली ढाल से टकराकर पवन सम्मुख पर, तो वर्षा करती हैं। लेकिन मानसूनी हवाएं पवन विमुख ढाल पर या तो बिल्कुल वर्षा नहीं करती हैं या बहुत कम वर्षा करती हैं। अतः पवन विमुख ढाल को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं क्योंकि यहाँ वर्षा नहीं हो पाती है उदाहरण के लिए भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून के अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर पश्चिमी ढाल तथा पश्चिमी तटीय मैदान पर 250 सेमी शून्य से भी अधिक वार्षिक वर्षा करती है वहीं जब ये हवाएं पश्चिमी घाट पर्वत को पार करके पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी ढाल के सहारे नीचे उतरती हैं, तो पूर्वी ढाल में स्थित क्षेत्रों में वर्षा नहीं हो पाती है अर्थात पश्चिमी घाट पर्वत का पूर्वी ढाल क्षेत्र वृष्टि छाया प्रदेश कहलाता है वृष्टि छाया प्रदेश के निर्माण के दो प्रमुख कारण हैं। आई समुद्र से आने वाली मानसूनी हवाएं अपनी अधिकांश नमी पवन सम्मुख ढाल पर छोड़ देती हैं, जिसके चलते जब ये हवाएं पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी ढाल पर उतरती हैं, तो इनमें नमी की मात्रा कम हो जाती है जिसके चलते ये हवाएं वर्षा नहीं कर पाती है तू जब हवाएं पवन सम्मुख धार को पार करके पवन विमुख धार के सहारे नीचे उतरती हैं, तो नीचे उतरने वाली हवाओं के तापमान में एडियाबेटिक ताप वृद्धि के चलते हवाओं के तापमान में वृद्धि हो जाती है गर्म हवाओं की सापेक्षिक आर्द्रता घट जाती है और ये हवाएं वर्षा नहीं कर पाती हैं। इसलिए पवन विमुख ढाल को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट का पूर्वी ढाल वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आता है वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत तीन प्रदेश शामिल हैं। आई महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र टू आंध्र प्रदेश का तेलंगाना क्षेत्र थ्री कर्नाटक का उत्तरी कर्नाटक पठार वृष्टि छाया प्रदेश में वर्षा नहीं हो पाती है इसलिए यहाँ कंटीली झाड़ियों वाली वनस्पतियां पाई जाती है महत्वपूर्ण तथ्य कोरोमंडल तट पर उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती है तथा बंगाल की खाड़ी में बनने वाले उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों से भी वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण चक्रवात है इसकी उत्पत्ति भूमध्य सागर के ऊपर से होती है और यह पश्चिमी जेट धारा के माध्यम से भारत में प्रवेश कर जाती है राजस्थान में स्थित माउंट आबू पर्वत चोटी पर दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा द्वारा वर्षा होती है मानसून अरबी भाषा का शब्द है मानसून पूर्व फव्वार विशेष रूप से तमिलनाडु केरल और कर्नाटक राज्यों की विशेषता है बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहते हैं एन गंगा और वेन गंगा गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल जेमू ग्लेशियर है जेमू ग्लेशियर सिक्किम राज्य में स्थित है गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है हरिश्चंद्र श्रेणी और बालाघाट श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है ऊंटी तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी पर्वत पर स्थित है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोड़ा बेटा नीलगिरी पर्वत पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है नीलगिरी पर्वत का विस्तार तीन राज्यों तमिलनाडु केरल और कर्नाटक राज्य में है यमुना नदी हिमालय से निकलने वाली गंगा की सहायक नदी है जो गंगा नदी से दाहिने तट पर आकर मिलती है गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है राप्ती नदी घाघरा नदी की सहायक नदी है झारखंड राज्य की राजधानी रांची कर रेखा पर स्थित है पांडिचेरी के अंतर्गत चार जिले हैं जिनका विस्तार तीन राज्यों में है जिला राज्य माहे केरल कराईकल पांडिचेरी तमिलनाडु यनम आंध्र प्रदेश भारत का त्रिपुरा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है टैग्स वृष्टि छाया प्रदेश